बाल्टिक में उठा बवंडर, आर्कटिक में बरसिया। नाटो होगा नेस्तनाबूद, शुरू हुई बैटल ऑफ नोवगोरोड। बाल्टिक देशों से लेकर फिनलैंड की खाड़ी तक का इलाका जो आगे आर्कटिक तक जाता था वो सोवियत गणराज्य का नोवगोरोड प्रांत था। अब उसी इलाके में भीषण जंग शुरू हो सकती है क्योंकि फिनलैंड के साथ मिलकर फिनलैंड की खाड़ी में नेटो एस वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। यानी ठीक रूस के एकदम पास नेटो युद्धाभ्यास कर रहा है। जाहिर है इससे रूस दमदमा रहा है। वैसे भी फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से ओटन का पारा सातवें आसमान पर है। बात यही खत्म नहीं होती। बाल्टिक देश लातविया में भी अमेरिकी बॉम्बर ने बमबारी की प्रैक्टिस शुरू कर दी जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि बाल्टिक सागर के पास रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद है। जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बम गिराए वैसे ही कैलिनिनग्राद पर अलर्ट जारी हो गया। एक तरफ नेटो की वॉर एक्सरसाइज, दूसरी तरफ लातविया में अमेरिकी बॉम्बर की दहा। कहीं ये किसी बड़ी जंग का संकेत तो नहीं क्योंकि एक साथ दो जगहों पर इतने बड़े स्तर पर नेटो ने कभी भी वॉर एक्सरसाइज नहीं की। क्या ये रूस को उकसाने के लिए तो नहीं क्योंकि ये पहली दफा है जब फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो एस वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। संघ के साम्राज्य में सेंध लगाने के लिए स्वीडन और जर्मनी ने हाथ मिलाया था जिसका मकसद सोवियत संघ के बड़े हिस्से नोवगोरोड पर कब्जा करना था। तब सोवियत सम्राट आइवन ने कमान संभाली थी और बैटल ऑफ नोवगोरोड छेड़ डाली थी जिसमें दुश्मनों को खदेड़कर नोवगोरोड का अस्तित्व बरकरार रखा गया था। तो क्या नोवगोरोड 2 जंग शुरू होने वाली है? क्या पुतिन एक साथ बाल्टिक देशों पर हमला करेंगे? क्या पुतिन फिनलैंड और स्वीडन को सबक सिखाकर रहेंगे? वैसे भी पुतिन का ख्वाब है कि वापस स्टालिन युग रूस में लाया जाएगा, रूस का दायरा सोवियत संघ जैसा बढ़ाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक दो करोड़ जैसी जंग भड़क सकती है। ऐसे में अगर नेटो ठीक रूस की नाक के नीचे वॉर एक्सरसाइज करने की हिम्मत दिखा रहा है तो रूस ने भी नेटो की सबमरीन डुबोने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इस वॉर प्रैक्टिस के लिए वही जगह चुनी है जहां पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात रहती। दरअसल रूस उन दोनों इलाकों पर काउंटर कर रहा है जहां नेटो और अमेरिका रूस को अपना दमखम दिखाकर डराने की कोशिश में है। अगर बाल्टिक देश लातविया में अमेरिका की बॉम्ब विंग के 4 लैंसर बॉम्बर बम गिराकर तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं तो वही पास में कैलिनिनग्राद के मिलिट्री बेस पर अलर्ट जारी करके रूस ने बता दिया है कि वो पलटवार के लिए तैयार है। लैंसर बम की एक्सरसाइज पर अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा है, बाल्टिक सागर एक अहम संवेदनशील इकोनॉमिक कॉरिडोर है। हवाई और समुद्री मार्ग दोनों की निगरानी करना और सुरक्षित पैसेज देना हमारी अहम जिम्मेदारी है। यानी ये अमेरिका का सीधा ऐलान है कि उसके बॉम्बर बाल्टिक के आसमान में गश्त करते रहेंगे और लातविया में प्रैक्टिस करके इशारा दिया है कि वो गड़बड़ी करने वालों को तबाह करने में देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन रूस कैलिनिनग्राद मिलिट्री बेस है जहां न्यूक्लियर वेपन की भी तैनाती है।
ऐसे में अमेरिका के लिए बाल्टिक में दबदबा बनाने में काफी मुश्किल हो सकती है। ठीक इसी वक्त दूसरी जगह भी रूस ने एक बड़ी तैयारी की। फिनलैंड में नेटो की वॉर एक्सरसाइज को काउंटर करने के लिए आर्कटिक में नेटो की सबमरीन डुबोकर यह दिखा दिया है कि आर्कटिक में बैठे बैठे वो फिनलैंड की खाड़ी में तबाही मचा सकता है, जहां इस वक्त एस वॉर एक्सरसाइज चल रही है। यानी पुतिन का सीधा मैसेज है कि वो किसी भी सूरत में बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नेटो का फैलता दायरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नेटो ने दबदबा बनाने के लिए इस इलाके में रूस को उकसाने की कोशिश की तो पुतिन बैटल ऑफ नोवगोरोद पार्ट 2 के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतर सिर्फ इतना है कि तब आइवन द ग्रेट ने नोवगोरोद की सुरक्षा की थी, अब व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्चस्व के लिए नेटो का मंसूबा रौंदने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।